देख रहे हैं SKK न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKK न्यूज पर वैशाली जिला से कौशल किशोर सिंह की रिपोर्ट। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। वैशाली विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लेते हुए विपरीत परिवारों को हर संभव मदद करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं जदयू प्रदेश संगठन विधानसभा प्रभारी एवं वैशाली विधानसभा के समाजसेवी नेता पंकज पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के विष्णुपुर मौना चक गुलाउद्दीन साइन मूजा पकड़ी करनेजी वैशाली प्रखंड चकहलाद पंचायत के सिमरा चकहलाद हर कुटवा सलेमपुर तथा हुसैनपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार राहत सामग्री बांटने का सिलसिला जारी है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं जिलाधिकारी एवं से वैशाली से बात करते हुए बाढ़ पीड़ितों को हर समय सरकारी सुविधा मुहैया कराने को लेकर तत्पर दिख रहे हैं। उन्होंने सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच लगातार चूड़ा गुड़ बिस्कुट मास्क सैनिटाइजर प्लास्टिक की वितरण किया गया है। यहाँ तक जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है वहाँ पर नाव ट्रैक्टर की सुविधा से जदयू की टीम के द्वारा पीड़ितों को राहत पहुँचाई जा रही है। जिस मौके पर सलेमपुर पंचायत के मुखिया पति सुनील कुमार सदुद्दीन कुमार शंभू कुमार रवि जी राजीव कुमार नीतीश कुमार रुपेश कुमार आदि सहित लोगों ने राहत बांटने में सहायता किया। जो सकान है सेवा है पंकज पटेल जी चकलालात मतलब ही ना होगी चलिए उनको सरकार महिला के बीच कर देंगे आरक्षण दिया है महिला सशक्तिकरण मर्द से कौन क्षेत्र में महिला कम है एक आदमी उधर और कौन आपका भी यही घर है पटेल तो वैशाली में जुड़ कन्हैया रे आप लोग वर्तमान में विधायक है आप बिरसन पटेल 7 बार विधायक रह चुके 35 साल का सफर है। वीर बाबू हारे थे 2000 में याद है एक दल सब हम दोनों आदमी का वोट जोड़ दिया गया उतना ही से बिरसन पटेल हार गए और बीना शाही जीत के कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनी थी। कम से कम जीत नहीं सकते तो वीर बाबू हरा तो जोड़ सकते हैं ताकत तो है।
पूरे चक्कर मिल गया दाग दीजिए दाग आ जाइए उन्हें करवा और मुंह में ना लगे मुंह में लगा बस हल्का से खाली दिशा देते रहिए आ जाएगा अपने हल्का से।